नमस्कार दोस्तों, सीको डॉट ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4 लेकर आपके सामने आया हूं। और आज तक प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी 3 क्लासे मतलब पार्ट नंबर 3 तक हो चुका है, 3 क्लासे डल चुके हैं और उन 3 क्लासों में टाइप नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो किसी ने अभी तक अपनी पिछली क्लासे नहीं देखी है तो सबसे पहले दोस्तों पिछली क्लासे जरूर देख लेना, और यदि आपको क्लासे अच्छी लग रही है तो उन्हें लाइक एंड शेयर करते रहा करो। तो आज हम पार्ट नंबर 4 है प्रॉफिट एंड लॉस का और उसमें पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 7। और टाइप नंबर 7 में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं डिसहोनेस्ट सेलर पर आधारित प्रश्न, मतलब बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ये दुकानदार बेईमानी कैसे करते हैं आज हम लोग वो चीज पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास अपनी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और क्वेश्चनों का लेवल भी दोस्तों बहुत शानदार लेवल है, क्योंकि इस टाइप से रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। ठीक है, तो ये टाइप अपनी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। तो आज की क्लास को आप लाइक एंड शेयर कर दो स्टार्ट होने से पहले। यदि आपने लाइक एंड शेयर कर दिया तो अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 7। और टाइप नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं डिसहोनेस्ट सेलर पर आधारित प्रश्न, मतलब बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों अपना पहला ही क्वेश्चन यह है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाया पहला, और क्वेश्चनों का लेवल आगे बढ़ता हुआ चलेगा, शानदार लेवल ध्यान दो। पहला क्वेश्चन निकालते हैं पहले, तो देखो क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, तो बताओ उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। अब दोस्तों ध्यान दो, दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब ये कह रहा है कि जितने में ये मेरे पड़ा है, जितने में मैं खरीदा हूं उतने में ही मैं आपको बेच रहा हूं, लेकिन कर क्या रहा हो, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, ठीक है, तो बताओ उसका लाभ परसेंट क्या है। अब दोस्तों कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन क्वेश्चनों में भाई किलोग्राम को पहले वो रुपयों में चेंज करते हैं और रुपयों में कन्वर्ट करने के बाद उसको हल करते हैं। हम लोग किलोग्राम को रुपयों में चेंज नहीं करने वाले, डायरेक्ट हम लोग किलोग्राम से आंसर निकालने वाले हैं, हम इनको पैसों में चेंज नहीं करेंगे। अब ध्यान दो कैसे निकालना है, वो दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं पहले बताओ, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, वो 900 ग्राम ही तोल रहे हैं। कितना ग्राम तोल रहे हैं, 900 ग्राम। अब सुनो, मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा था लेकिन 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोल रहा है, तो बताओ इसने कितना ग्राम बचा रहा है, वो 100 ग्राम बचा रहा है, कितना ग्राम बचा रहा है, 100 ग्राम उसने बचा लिया, 100 ग्राम मतलब 900 ग्राम बेचकर 100 ग्राम बचा लिया। अब हुआ यूं कि उसे 1000 ग्राम पर उसने जितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, जितने पैसे खर्च किए थे 1000 ग्राम के लिए, वो पैसे उसे मिल गए कितने पे, 900 ग्राम पर ही मिल गए। जितने पैसे उसने 1000 ग्राम पर खर्च किए थे वो पैसे उसे मिल चुके हैं कितने ग्राम पर, 900 ग्राम पर ही, तो बताओ उसे 100 ग्राम का बेनिफिट हो गया, और 100 ग्राम का बेनिफिट किस पे हुआ, 900 ग्राम पर। भाई ये क्रय मूल्य ही तो है, यहाँ जिसने जितने रुपए वेस्ट किए थे उस व्यक्ति ने, वो उसे 900 ग्राम पे मिल चुके हैं, तो ये क्रय मूल्य हो गया। अब हमें करना क्या है, 100 ग्राम का बेनिफिट हो रहा है तो 100/900 कितना ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो 1/9 प्रॉफिट हो गया। 1/9 का मतलब दोस्तों कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 11.9% उस दुकानदार को क्या हो गया, लाभ हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं दोस्तों ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना यह है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है, मतलब 960 ग्राम ही तोलता है, तो बताओ उसका लाभ परसेंट क्या है। अब ध्यान दो दोस्तों, वही है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है, 960 ग्राम ही तोल रहा है, तो 1 किलोग्राम में ग्राम कितनी हुई दोस्तों, 1000 ग्राम हो गई। अब 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, 960 ग्राम बाट का ही प्रयोग कर रहा है, मतलब सीधा ये हो गया कि उसने 1000 ग्राम
1000 ग्राम वस्तु पर जितने रुपए इन्वेस्ट किए थे वो रुपए उसे मिल चुके हैं दोस्तों, कितने पे, 960 ग्राम पर ही मिल गए। मतलब यहां उसने जितने पैसे खर्च किए वो 960 ग्राम पर ही उसे प्राप्त हो गए। तो बताओ कितना ग्राम शेष बच गया, 40 ग्राम शेष बचा हुआ है। तो बताओ उसे 40 ग्राम का तो प्रॉफिट हो गया ना भाई, यहां जितने पैसे खर्च हुए वो तो इस पे मिल चुके हैं, अब 40 ग्राम बचा हुआ है उसका क्या हो गया, उसे लाभ। अब इसको बेचेगा तो इसका प्रॉफिट ही होगा। अब ध्यान दो 40 ग्राम कितने पे प्रॉफिट हो रहा है, 960 ग्राम पे प्रॉफिट हो रहा है भाई। इतना ग्राम बेचता है तभी तो 40 ग्राम का प्रॉफिट कर रहा है, तो नीचे आ गया 960 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ग्राम से ग्राम अपना कैंसिल आउट हो गया। यहां ध्यान दो, जीरो से जीरो और चार का भाग दो, चार एकम चार और इधर कितना गया 24, चौई चौक छियानवे, तो कितना गया 1/24। अब 1/24 का मतलब क्या करना है, 1/24 का उसे प्रॉफिट हुआ है और 1/24 का प्रतिशत रूप कितना होता है दोस्तों, 1/24 का परसेंटेज रूप होता है 4/1/6%, कितना होता है 4/1/6%। तो इतना उसे क्या हो गया मेरे दोस्तों, प्रॉफिट हो गया दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चनों को सीधा हमें ग्राम से आंसर चाहिए, हम इनको रुपये में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सीधा ग्राम से निकालना है। अब हम लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना यह है, ध्यान देना। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 40% कम वजन का प्रयोग करता है, मतलब 40% कम वजन तोलता है, तो बताओ उसका लाभ परसेंट क्या है। अब ध्यान दो दोस्तों, 1 किलोग्राम वो ये दुकानदार भी क्या कर रहा है, अपनी वस्तुओं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या कर रहा है, 40% वजन कम तोलता है। अब ध्यान दो 1 किलोग्राम का मतलब कितना हुआ दोस्तों, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम पर वो कितना परसेंट वजन कम तोल रहा है, 40% वजन कम तोल रहा है, कितना परसेंट, 40% वजन कम तोल रहा है, क्या कर रहा है, कम तोल रहा है। तो सीधा 1000 का 40% निकालो पहले, तो 1000 का 40% निकालेंगे दोस्तों कितना आने वाला है, 1000 का 40% आएगा 400 ग्राम। भाई 1000 ग्राम है, इसका 40% कितना ग्राम आ गया, 400 ग्राम आ गया। तो बताओ 1000 ग्राम पे 40% कम का मतलब 400 ग्राम कम तोल रहा है, तो 400 ग्राम कम तोल रहा है तो बताओ कितना ग्राम तोल रहा है, वो ओनली 600 ग्राम ही तोल रहा है। कितना ग्राम तोल रहा है, 600 ग्राम ही तोल रहा है। अब ध्यान दो दोस्तों, 1000 ग्राम पे वो 600 ग्राम तोल रहा है, तो यहां पर उसने जितने रुपए इन्वेस्ट किए थे इस 1000 ग्राम वस्तु खरीदने के लिए उतने रुपए उसे मिल चुके हैं दोस्तों, कितने पे, 600 ग्राम पर। 600 ग्राम पे ये वाले रुपए तो कवर हो गए, अब शेष 400 ग्राम जो बचा हुआ है उसका क्या हो गया, उसे प्रॉफिट। तो 400 ग्राम का क्या हो गया दोस्तों, उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 400 ग्राम का प्रॉफिट कितने पे दोस्तों, 600 ग्राम पे। ये वाला जो क्रय मूल्य था, ये जो हमने खरीदा था वो इस पे मिल गए हमें, तो 600 पे उसे क्या हो गया, 400 ग्राम का प्रॉफिट। अब ध्यान दो इधर, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, दो जीरो से दो जीरो अपनी कैंसिल आउट। अब इसको काटेंगे तो कितना आने वाला दोस्तों, 2/3। अब 2/3 का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट। 2/3 का परसेंटेज रूप लिखेंगे तो कितना आने वाला दोस्तों, 66/2/3% का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट भी अपना अच्छा है। यदि अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले क्लास को दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना यह है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना दोस्तों। एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। भाई पहले ही वो बोल रहा है, पहले ही बोल रहा है कि मैं 10% लाभ पर बेचूंगा, तो सीधा 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तोल रहा है, 800 ग्राम ही तोलता है, तो बताओ उसका लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं उसे 10% लाभ पर बेचूंगा, डायरेक्ट कह के ले रहा है 10% लाभ, लेकिन वो लाभ कहां लेता है, वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोल रहा है। तो ध्यान दो दोस्तों, कॉन्सेप्ट अपना वही है, हमें ग्राम को रुपये में चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट हमें ग्राम से ही आंसर देना है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग पहले ग्राम को रुपये में चेंज करें फिर आंसर निकाल।
वाले, इतना टाइम नहीं होता दोस्तों। यदि आपको स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं, यदि आपको उनसे आगे जाना होता है ना, तो आपके कॉन्सेप्ट दोस्तों ऐसे होने चाहिए जिनसे आपके क्वेश्चन बहुत कम समय में हल हो सके। तो वो कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान दो अच्छे से। एक लोग 10% लाभ पर बेचने का दावा कर रहे हैं ना, तो 1 किलोग्राम कोई वस्तु है, ठीक है, उसको वो 10% लाभ पर, मतलब इसमें 10% लाभ लेगा, तो 10% लाभ का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 10% लाभ, ठीक है, तो 10% लाभ यानी 1000 पे कितना ग्राम का लाभ ले रहा है, 1000 ग्राम पे 10% लाभ का मतलब कितने ग्राम का लाभ ले रहा है, तो 1000 का 10% कितना हुआ, सीधा 100 ग्राम, ठीक है। तो बताओ 1000 ग्राम जो वस्तु उसने खरीदी थी उसे 100 ग्राम लाभ पर बेच रहा है, कितने ग्राम लाभ पर बेच रहा है, 100 ग्राम लाभ पर बेच रहा है। तो बताओ 100 ग्राम लाभ का मतलब कितने ग्राम के बराबर बेच रहा है, कितने ग्राम के बराबर बेच रहा है, 100 ग्राम लाभ पर मतलब 1000 में 100 जोड़ दो तो कितने ग्राम के बराबर बेच रहा है, 1100 ग्राम मूल्य के बराबर बेच रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये बेच रहा है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तोल रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर दोस्तों वो 800 ग्राम ही तोल रहा है, ऐसा अपना पर्सन कह रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोल रहा है। अब सुनो दोस्तों, 800 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को वो कितने ग्राम मूल्य वाली वस्तु के बराबर बेच रहा है, 800 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को कितने ग्राम मूल्य वाली वस्तु के बराबर बेच रहा है, 1100 ग्राम मूल्य वाली वस्तु के बराबर बेच रहा है, यही हुआ ना। तो बताओ 800 ग्राम मूल्य वाली वस्तु इस मूल्य के बराबर बेच रहा है, तो कितने ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है, वो प्रॉफिट लाभ ले रहा है कितने ग्राम का, भाई इस मूल्य वाली वस्तु को इस मूल्य वाली वस्तु के अकॉर्डिंग बेच रहा है, तो यहां कितने ग्राम ज्यादा मूल्य ले रहा है, कितने ग्राम ज्यादा दोस्तों, 300 ग्राम, मतलब 300 ग्राम अधिक मूल्य ले रहा है, 300 ग्राम का वो प्रॉफिट कर रहा है, और 300 ग्राम का प्रॉफिट 800 ग्राम पे कर रहा है, तो सीधा आ गया अपना नीचे 800 ग्राम। तो अब क्या करना है दोस्तों, ग्राम से ग्राम अपना कैंसिल आउट, दो जीरो से दो जीरो अपने कैंसिल आउट, तो 3/8 का उसे लाभ हुआ, और 3/8 का परसेंटेज रूप कितना होता है सबको पता है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया है पार्ट नंबर फर्स्ट में, तो 3/8 का परसेंटेज रूप दोस्तों कितना होता है, 37.2%। तो बताओ यहां पे उस बेईमान दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ, 37.2% क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। अब लेते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना यह है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन तोलता है, तो बताओ उसका वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। अब दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में था वो लाभ पर बेचने का वादा करा था, इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया, 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो हमने माना वो वस्तु कितनी है, 1000 ग्राम है, ठीक है, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम हो गई, ठीक है। अब 44% हानि पर, तो 1000 ग्राम मूल्य वाली जो वस्तु है उसे 44% हानि पर बेच रहा है, तो 44% हानि को, तो 1000 ग्राम पे कितने ग्राम की हानि पर बेच रहा है, सीधा 1000 ग्राम का 44% निकालो, निकालेंगे तो सीधा कितना आने वाला दोस्तों, 440 ग्राम आ रहा है। तो मतलब हो गया कि 1000 ग्राम पे वो 440 ग्राम की हानि पर बेच रहा है 1000 ग्राम वाली वस्तु को, तो बताओ कितने ग्राम के बराबर बेच रहा है, इसमें से सीधा माइनस करेंगे तो 560 ग्राम के बराबर वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, ये हो गया अपना सेलिंग प्राइस, ठीक है। 1000 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को 560 ग्राम मूल्य वाली वस्तु के अकॉर्डिंग बेच रहा है, लेकिन वो करता क्या है, लेकिन वह बेचते समय 30% वजन कम तोलता है, 1000 ग्राम के स्थान पर दोस्तों कितना वजन तोल रहा है, 30% वजन कम तोल रहा है, 30% कम का मतलब दोस्तों कितना ग्राम हो गया, 1000 ग्राम का 30% कितना ग्राम होता है, 300 ग्राम, तो बताओ 300 ग्राम वजन कम तोल रहा है, तो दोस्तों कितना ग्राम वजन तोल रहा है, इसमें से 300 सीधा माइनस करेंगे तो 700 ग्राम वजन ही वो तोल रहा है। अब ध्यान देना दोस्तों, अब 1000 ग्राम थोड़ी तोड़ रहा है, कितना तोड़ रहा है, ओनली 700 ग्राम ही तोड़ रहा है, तो 700 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को कितने ग्राम मूल्य वाली वस्तु के अकॉर्डिंग बेच रहा है, 560 ग्राम मूल्य के बराबर बेच रहा है, 700 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को है ना ओनली 560 ग्राम मूल्य के बराबर बेच रहा है, तो बताओ कितने ग्राम की हानि पर बेच दिया, 700 ग्राम के स्थान पर 560 ग्राम पर बेच रहा है, तो कितने ग्राम की हानि हुई दोस्तों, 140, भाई इसमें सीधा ही माइनस करो, 140 ग्राम की हानि
होगी और ये हानि दोस्तों कितने ग्राम पे हुई, 700 ग्राम पे। ठीक है, ये क्रय ही तो है, ये अपना एसपी मतलब विक्रय है, तो 700 ग्राम पे हानि हो गई, तो सीधा नीचे लगा दो दोस्तों 700 ग्राम। 140 ग्राम की हानि हुई 700 ग्राम पर। दोस्तों टोटल कितने ग्राम की हानि हो रही है, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 14 × 14 = 70, मतलब 1/5 की हमें क्या हो गई, हानि। और 1/5 का मतलब दोस्तों कितने परसेंट की हानि हो गई, 20% की हमें क्या हो गई, हानि। दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना यह है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक्स प्रतिशत लाभ पर बेचने का दावा करता है, वादा करता है, मतलब सीधा बोल रहा है कि मैं X% लाभ पर बेचूंगा इन्हें। ठीक है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और 37.2% का लाभ कमाता है, तो बताओ एक्स का मान क्या होगा। डायरेक्ट वो बोल रहा है कि मैं उसे X% लाभ पर बेच रहा हूं। ठीक है, तो हमने वो वस्तु ली दोस्तों, कितने की, 1 किलोग्राम ले ली, मतलब 1000 ग्राम ले ली, तो ये हो गया अपना 1000 ग्राम। कितने ग्राम वस्तु ली हमने, 1000 ग्राम। अब इन 1000 ग्राम वस्तुओं को वो दुकानदार कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचने की बात कर रहा है, X% लाभ पर बेचने की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब कर क्या रहा है वो, 1000 ग्राम के स्थान पर वो क्या कर रहा है, 20% वजन कम तोलता है। दोस्तों 1000 का 20% वजन कम तोल रहा है, तो 20% निकालो इसका कितना है दोस्तों, 200 ग्राम। ठीक है, तो 200 ग्राम वजन कम तोल रहा है, तो आप मेरे को ये बताओ कितने ग्राम वजन तोल रहा है वो, इसमें से जाने दो कितने ग्राम वजन तोल रहा है, टोटल 800 ग्राम वजन तोल रहा है। 800 ग्राम वजन तोलकर वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 37.2% यह कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो बताओ 37.2% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/8, मतलब 3/8 का क्या कमा रहा है वो, लाभ। तो यहां पे 800 पे वो लाभ कमा रहा है दोस्तों कितने का, 3/8 का। तो 3/8 मतलब 800 ग्राम का 3/8 निकालो, तो कितने ग्राम का लाभ कमा रहा है वो निकालेंगे। ठीक है, तो 800 को इससे गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आने वाला है, 300 ग्राम। तो बताओ कितने ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, 300 ग्राम का। 800 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को 300 ग्राम मूल्य लाभ पर बेच रहा है, तो बताओ कितने ग्राम पर बेच रहा है वो, कितने ग्राम पर बेच रहा है दोस्तों, 1100 ग्राम मूल्य के बराबर बेच रहा है। कितने ग्राम मूल्य के बराबर, 1100 ग्राम मूल्य के बराबर। भाई 800 ग्राम पे 300 ग्राम लाभ भी तो कमाएगा, तो कितने ग्राम के बराबर बेचेगा, दोनों का योग कर दो, तो 800 ग्राम के बराबर क्या कर रहा है वो, बेच रहा है। ये हो गया अपना एसपी मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, 1000 ग्राम मूल्य वाली अपनी वो वस्तु थी, ठीक है, उसको 1100 ग्राम मूल्य के बराबर बेच रहा है, 1000 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को 1100 ग्राम मूल्य के बराबर बेच रहा है, तो बताओ कितने ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है वो, यहां पे कितने ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, और 100 ग्राम का प्रॉफिट कितने पे कमा रहा है, 1000 ग्राम पे, तो सीधा नीचे आ गया अपना 1000 ग्राम। ग्राम से ग्राम अपना कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, बचा कितना, 1/10, और 1/10 का मतलब दोस्तों कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है वो, 10% लाभ पर। तो बताओ X% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 10%, तो कितने परसेंट लाभ पर बेचने का दावा करता है, 10% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यदि नहीं भी आया है तो ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान देना दोस्तों अच्छे से। हाँ, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना यह, ध्यान देना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह बेचते समय 25% कम वजन का प्रयोग करता है, जिससे उसे 20% का लाभ हो जाता है, तो बताओ X% X का मान क्या है। दोस्तों ध्यान दो, पीछे वाले क्वेश्चन में X% लाभ पर बेचने का वादा कर रहा था, और इस क्वेश्चन में X% हानि पर बेचने का वादा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चन में अंतर इतना है, वहां लाभ की बात कर रहे थे, यहां किसकी बात कर रहे हैं, हानि की। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट वही है निकालने का। ठीक है, हमने क्या माना कि हमने उसने 1 किलोग्राम वस्तु मानी, मतलब 1000 ग्राम वस्तु, तो 1000 ग्राम वस्तु को वो कितने परसेंट हानि पर बेचने का वादा कर रहा है, X% हानि पर बेचने का वादा कर देता है, X% हानि पर बेचने का वादा कर देता है।
लेकिन कर क्या रहे हो, कितने परसेंट वजन कम तोड़ रहे हैं, 1000 ग्राम के स्थान पर 25% कम वजन तोड़ रहे हैं, 25% कम वजन। तो 1000 ग्राम का 25% निकालो दोस्तों, सीधा कितना आने वाला है, 250 ग्राम। ठीक है, तो बताओ 1000 की ग्राम के स्थान पर वो 250 ग्राम कम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो बताओ कितना ग्राम वजन तोड़ रहा है वो, इसमें से माइनस कर दो सीधा, तो कितना ग्राम, 750 ग्राम वजन ही तोड़ रहा है। तो 750 ग्राम पे वो प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है, कितना प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है, 20%। ठीक है, 20% का मतलब दोस्तों कितना हुआ, 1/5। तो बताओ 750 ग्राम पे वो 20% का लाभ कमा रहा है, तो बताओ कितने ग्राम का लाभ कमा रहा है, तो 750 ग्राम का सीधा 1/5 निकाल लो, इतने ग्राम को प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है, तो 750 को 105 से 1/5 से गुणा करो, तो 1/5 से गुणा करो, सीधा 5 का भाग दे दो, उसमें कितना आया, 15 × 5 = 75, 15 × 1 = 0, मतलब 150 ग्राम का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो आपको पता चला कि 750 ग्राम पे 20% लाभ का मतलब 150 ग्राम लाभ पर बेच रहे हैं। तो बताओ 750 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को 150 ग्राम मूल्य लाभ पर बेच रहा है, तो कितने ग्राम के बराबर बेच रहा है, इसमें सीधा ये ऐड कर देंगे, तो कितने ग्राम के बराबर बेच रहा है, 900 ग्राम मूल्य के बराबर वो बेच रहा है। ठीक है, 750 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को 150 ग्राम मूल्य लाभ पर बेच रहा है, तो कितने ग्राम पर बेच रहा है, 900 ग्राम मूल्य पर बेच रहा है। अब ध्यान दो दोस्तों, 1000 ग्राम वाली जो वस्तु थी, 1000 ग्राम मूल्य वाली जो वस्तु थी, उसे 900 ग्राम मूल्य वाली वस्तु के बराबर बेच रहा है, तो बताओ कितने ग्राम हानि पर बेच रहा है, 1000 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को 900 ग्राम मूल्य वाली वस्तु के बराबर बेच रहा है, तो कितने ग्राम हानि पर बेचा, यहां पे 100 ग्राम हानि पर बेच रहा है, और 100 ग्राम हानि कितने पे दोस्तों, 1000 ग्राम पे, तो कितना परसेंट ग्राम हानि हुई निकाल लेंगे सीधा, तो ग्राम से ग्राम अपना कैंसिल आउट, 20 से 20 अपनी कैंसिल आउट, 1/10, और 1/10 का मतलब दोस्तों यहां कितनी परसेंट हानि पर बेच रहा है, 10% हानि पर वो बेच रहा है। तो इस क्वेश्चन में अपना x परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 10%। सही है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होगा, नहीं भी आया है तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखना। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, और थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना यह है, ध्यान देना, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय वजन में 20% की चोरी तथा बेचते समय वजन में 10% की चोरी करता है, तो बताओ उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। दोस्तों ध्यान दो, वही हमें 1000 ग्राम पे निकालते हैं, 1000 ग्राम है कोई वस्तु, ठीक है, 1000 ग्राम वस्तु पे वो सामान खरीदते समय 20% की चोरी कर रहे हैं, तो 20% की चोरी का मतलब 20% ज्यादा खरीद रहे हैं, 1000 ग्राम पे 20% की चोरी कर रहा है सामान खरीदते समय, तो मतलब 20% ज्यादा खरीद रहे हैं 1000 ग्राम का, तो बताओ 1000 ग्राम का 20% निकालो सीधा, 20% निकालेंगे तो कितना ग्राम आया दोस्तों, 200 ग्राम, तो 1000 ग्राम पे वो 200 ग्राम क्या कर रहा है, ज्यादा खरीद रहा है, तो 200 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है, तो बताओ कितना ग्राम खरीद रहा है वो टोटल, यहां 1200 ग्राम खरीद रहा है, कितना ग्राम खरीद रहा है, 1200 ग्राम, ये तो खरीद रहा है। ठीक है, आगे बात किसी कर रहा है, और बेचते समय वह 10% की चोरी करता है, बेचते समय कितने परसेंट की चोरी कर रहा है, 10% की, मतलब 1000 ग्राम पे वो 10% क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है बेचते समय, तो 10% कम वजन तोड़ रहा है, तो 1000 ग्राम का 10% निकालो दोस्तों कितना है, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम वजन वो क्या कर रहा है दोस्तों, कम तोड़ रहा है, तो बताओ बेचते समय कितना ग्राम वजन तोड़ रहा है, ओनली 900 ग्राम वजन ही तोड़ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, 900 ग्राम मूल्य वाली जो वस्तु है उसे 1200 ग्राम मूल्य वाली वस्तु के बराबर बेच रहा है, तो बताओ कितने ग्राम के अधिक पैसे ले रहा है, 900 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को 1200 ग्राम मूल्य वाली वस्तु के बराबर बेच रहा है, तो कितने ग्राम के पैसे ज्यादा ले रहा है, कितने ग्राम के पैसे, 300 ग्राम के पैसे क्या ले रहा है, ज्यादा, तो 300 ग्राम का उसे क्या हो गया लाभ, 300 ग्राम का लाभ हुआ, और 300 ग्राम का लाभ कितने पे हुआ, 900 ग्राम पे, भाई 900 पे तो 300 ग्राम ज्यादा ले रहा है, तो 900 पे उसे लाभ हो गया, तो निकालो लाभ परसेंट कितना है दोस्तों। ठीक है, ग्राम से ग्राम अपना कैंसिल आउट, 20 से 20 अपने कैंसिल आउट, 3 × 3 और इधर कितना आया, 3 × 3 = 9, मतलब 1/3 का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और 1/3 का मतलब दोस्तों कितना लाभ हुआ, 33 सही 1/3% उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होगा। अब हम लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना यह है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं
पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 25% का डिस्काउंट मतलब बट्टा दे देता है, लेकिन बेचते समय वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन तोलता है, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों ध्यान दो, 1000 ग्राम मूल्य वाली कोई वस्तु है, कितने ग्राम, 1000 ग्राम मूल्य वाली कोई वस्तु है, इस पर वो क्या करे दोस्तों 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो इसका 40% मतलब 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1000 ग्राम का 40% मतलब कितना ग्राम मूल्य बढ़ाकर लिख रहा है, तो 1000 ग्राम का 40% निकालो सीधा कितना है दोस्तों 400 ग्राम, ठीक है, तो कितना ग्राम मूल्य बढ़ाकर लिख रहा है, 1000 ग्राम मूल्य वाली जो वस्तु है ना उसमें 400 ग्राम मूल्य अधिक बढ़ाकर लिख रहा है, तो बताओ कितना लिख रहा है वो 1400 ग्राम, ठीक है 1400 ग्राम मूल्य लिख दिया, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं, अपने ग्राहक को उस पर 25% का डिस्काउंट दे देता है, इस पर बताओ वो डिस्काउंट दे दिया, कितना डिस्काउंट दे रहा है 25%, तो 1400 ग्राम का 25% निकालो सीधा कितना डिस्काउंट दे रहा है, 25% निकालेंगे तो दोस्तों कितना आने वाला है, 25% का मतलब कितना दोस्तों 1/4, तो 1400 को 1/4 से गुणा कर लो इधर, ठीक है गुणा करते हैं 1400 × 1/4 में क्या करना है दोस्तों 1/4, तो कितना आया 4 × 3 = 12, शेषफल 2 × 0 और 20 मतलब 350 ग्राम, तो 1400 ग्राम पे 25% डिस्काउंट मतलब कितने ग्राम की छूट दे रहा हो, 350 ग्राम की क्या दे दिया दोस्तों छूट, तो 1400 ग्राम पे 350 ग्राम की छूट दे रहा है, तो बताओ कितने ग्राम के बराबर बेच रहा होगा, 1400 से 350 लेस कर दो, लेस किए तो दोस्तों कितना आया 1050 ग्राम, तो 1050 ग्राम के बराबर वो बेच रहा है भाई, 1400 बढ़ा के 1400 किया लेकिन 350 ग्राम वापस छूट दे दिया और फिर कितना बचा उसका मूल्य 1050 ग्राम मूल्य के बराबर बच गया। अब ध्यान दो वो आगे कर क्या रहे हैं, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन ही तोलता है, तो 1 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम वजन तोल रहा है, ओनली वो 800 ग्राम वजन तोल रहा है, कितना ग्राम वजन तोल रहा है 800 ग्राम वजन ही तोलता है। अब ध्यान दो दोस्तों 800 ग्राम मूल्य वाली जो वस्तु है ना उसे वो बेच रहा है 1050 ग्राम मूल्य वाली वस्तु के बराबर, ठीक है 800 ग्राम वाली को 1050 ग्राम के बराबर बेच रहा है, तो बताओ कितने ग्राम के ज्यादा पैसे ले रहा है, 800 पे कितने ग्राम ज्यादा पैसे ले रहा है, 1050 के बराबर बेच रहा है, तो कितने ग्राम के ज्यादा पैसे ले रहा है वो बताओ, इसमें सीधा ही माइनस करेंगे तो 250 ग्राम के पैसे वो क्या ले रहा है ज्यादा, तो बताओ 250 ग्राम का उसे फायदा हुआ मतलब लाभ हो गया, 800 ग्राम पे 1050 ग्राम के बराबर बेच रहा है तो उसे 250 ग्राम का फायदा हुआ मतलब लाभ होया, तो कितने पे होए 800 ग्राम पे, तो लाभ परसेंट निकालो कितना आया 250 ग्राम 800 ग्राम पे, ठीक है तो 800 ग्राम का निकाल लो, ग्राम से ग्राम अपना कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, जीरो से जीरो अपनी कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 से काटेंगे तो 5 का भाग दो इधर कितना है 5 और इसमें 5 का भाग दिया तो कितना है 16, तो 5/16 का क्या हो गया लाभ हो गया। अब हमें लाभ परसेंट निकालना है तो 5/16 कितने से गुणा कर देता हूं मैं 100 से गुणा करूंगा तो दोस्तों कितना आने वाला, देखो 4 का भाग देंगे कितना आया 4, इधर 4 का भाग दो कितना है 25, 25 को 5 से गुणा करो दोस्तों कितना आया 125 और 125 में 4 का भाग देना है, ठीक है तो 125 में 4 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 31.25% क्या हो गया उसे लाभ, क्या हो गया दोस्तों लाभ, तो बताओ उस दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ 31.25% क्या हो गया लाभ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, नहीं भी आया है तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखते रहो करो दोस्तों, अपना जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अपन इनको मतलब जो ग्राम है ग्राम पे ही लेके हल कर रहे हैं, इनको हम लोग रुपयों में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन को हल करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो किसी भी एग्जाम में आपके पास टाइम होता कहें दोस्तों, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट चाहिए जिससे आपका टाइम की बचत हो, तो मैं दोस्तों आपके लिए ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं जो बहुत कम समय में आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर पाओगे, बस ये है कि आप हमसे जुड़े रहो। तो दोस्तों अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना ये ध्यान देना अच्छे से,
नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। यदि वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान दो, वही हम लेते हैं, कितने ग्राम वस्तु, 1000 ग्राम वस्तु ले लिया हमने, तो ये हो गया अपना 1000 ग्राम वस्तु। अब स्टार्ट में क्या कर रहा है, खरीदते समय कितने परसेंट की चोरी कर रहा है, 20%। तो बताओ 1000 ग्राम पे 20% की चोरी कर रहा है तो 20% ज्यादा खरीदेगा, सही है ना। तो 1000 ग्राम का 20% निकालो कितना है दोस्तों, सीधा 200 ग्राम, ठीक है। तो 200 ग्राम वस्तु क्या कर रहा है, वो ज्यादा खरीद रहा है, ठीक है, ज्यादा ले रहा है। तो बताओ कितनी ले रही है वो, 1000 ग्राम पे कितना ले रहा है, टोटल 1200 ग्राम ले रहा है, कितना खरीद रहा है, 1200 ग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, कितने परसेंट हानि पर, 10%। भाई 1200 ग्राम लिया ना, इस पे 10% हानि पर बेचने का वादा कर रहा है, तो इसका 10% निकाल लो। 10% का मतलब दोस्तों कितना होता है, सीधा 1200 ग्राम का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा सीधा दोस्तों, 120 ग्राम। तो 120 ग्राम हानि पर बेचने का वादा कर रहा है, तो कितने के बराबर बेचने का वादा कर रहा है, 1200 ग्राम पर 120 ग्राम हानि पर बेचने का वादा, मतलब कितने ग्राम के बराबर बेचने की बात कर रहा है वो टोटल, इसमें से माइनस कर दो तो टोटल आया 1080 ग्राम के बराबर बेचने की वो बात कर रहा है। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वो 1000 ग्राम के स्थान पर कि बेचते समय क्या कर रहा है, 20% की 40% की चोरी करता है, सॉरी कितने परसेंट की चोरी कर रहा है, 40% की चोरी करता है। तो मतलब 1000 ग्राम पर वो 40% चोरी कर रहा है, तो कितने ग्राम की चोरी कर रहा है, 1000 का 40% निकालो सीधा कितना है, 400 ग्राम। तो मतलब 400 ग्राम की चोरी कर रहा है बेचते समय, तो ये हो गया कि 400 ग्राम कम तोड़ रहा है, तो 1000 ग्राम पे 400 ग्राम कम तोड़ रहा है, तो बताओ कितना ग्राम तोड़ रहा है टोटल, वो 600 ग्राम तोड़ रहा है, ठीक है। तो 600 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को 1080 ग्राम मूल्य के बराबर बेच रहा है, तो बताओ 600 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को 1080 ग्राम मूल्य वाली वस्तु के बराबर बेच रहा है, तो कितने ग्राम ज्यादा हम बेच रहे हैं दोस्तों, कितने ग्राम का लाभ ले रहा है, 600 ग्राम वाली वस्तु को 1080 ग्राम पर बेच रहा है तो कितने ग्राम का लाभ लिया, इसमें से सीधा ही माइनस करो, तो माइनस किए तो कितना है दोस्तों, 480 ग्राम का लाभ ले रहा है, और कितने पे ले रहा है, 600 ग्राम पे, तो नीचे आ गया सीधा कितना दोस्तों, 600 ग्राम, ठीक है। ग्राम से ग्राम अपना कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो अपने कैंसिल आउट। अब हमें परसेंटेज निकालना था ना, तो इनटू क्या करना, मैं 100 से गुणा, ठीक है, जीरो से जीरो। अब क्या करना है, 6 का भाग दो कितना है 8, और 8 और 10 कितना हो, टोटल 80। तो उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 80% क्या हो गया मेरे दोस्तों, लाभ हो गया। कितना परसेंट लाभ हुआ, 80% का लाभ। अब लेते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना यह है, ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा वस्तुओं पर 10% की छूट देता है, और इसके साथ साथ ही वह खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 10% की चोरी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान दो, 1000 ग्राम की बात करते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है, तो खरीदते समय वो कितने परसेंट की चोरी कर रहा है, पहले ये देखो, खरीदते समय वो 20% की चोरी करता है, तो 1000 ग्राम पे 20% की चोरी कर रहा है, मतलब 20% ज्यादा खरीद रहा है, तो 1000 ग्राम पे 20% मतलब कितना ग्राम ज्यादा खरीद रहा है, 200 ग्राम वस्तु ज्यादा ले रहा है, तो बताओ कितने ग्राम खरीद रहा है, टोटल 1200 ग्राम वस्तु खरीद रहा है, ठीक है। अब 1200 ग्राम पे क्या कर रहा है दोस्तों, 1200 ग्राम पे कर क्या रहा है वो, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो बताओ 1200 ग्राम का 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, तो कितना बढ़ा दिया, 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, तो 20% मतलब कितना ग्राम बढ़ा रहा है, देखो 1200 का 1200 ग्राम का सीधा 20% निकालेंगे तो दोस्तों 20% कितना आने वाला, सीधा क्या करोगे, 1200 और इनटू क्या करना है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, गुणा करो देखो कितना आ रहा है,
पांच दुना दस, शेषफल कितना बचा दो और जीरो, पांच चौका बीस, मतलब 240 ग्राम। तो मतलब 1200 ग्राम पे 20% बढ़ा रहा है, मतलब कितना ग्राम बढ़ा रहा है, 240 ग्राम बढ़ा दिया। तो 240 ग्राम बढ़ा दिया तो कितना अंकित कर दिया, 1200 प्लस 240 कितना हुआ दोस्तों, 1440 ग्राम अंकित कर दिया। कितना ग्राम बढ़ा दिया उसने, कितना 240 ग्राम बढ़ाकर कितना ग्राम अंकित कर दिया, 1440 ग्राम के मूल्य के बराबर उस पर मूल्य अंकित कर देता है। आगे क्या कह रहा है, फिर वह अपनी वस्तु पर 10% क्या देता है, छूट देता है। तो इस पर 10% की छूट देगा वो। तो दोस्तों 10% की छूट मतलब 1440 का 10% निकालो, सीधा कितना आने वाला है, 144 ग्राम की क्या दे रहा है वो छूट, ठीक है। तो 1440 ग्राम पर वो 144 ग्राम की छूट दे रहा है, तो कितने ग्राम के बराबर बेचेगा बताओ, इसमें से सीधा ये माइनस करना है, तो 144 माइनस करो, ठीक है, 1440 माइनस क्या करना है, 144 ग्राम। तो 144 ग्राम माइनस किए तो कितना है दोस्तों, 6, इधर कितना 13, 13 में से 4 गए तो कितना 9, और इधर कितना 3, 3 में से 1 गया तो 2, मतलब 1296 ग्राम। तो कितने ग्राम के बराबर बेच रहा हूं, 1296 ग्राम के बराबर क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। कितने ग्राम के बराबर बेच रहा है, 1296 ग्राम के बराबर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह बेचते समय भी 10% की चोरी करता है। तो बेचते समय वो 1000 ग्राम के स्थान पर 10% की चोरी कर रहा है। तो दोस्तों 10% की चोरी मतलब कितने ग्राम की, 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, ठीक है, 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। तो बताओ कितने ग्राम के बराबर बेच रहा है वो, 900 ग्राम के बराबर ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। ये चीज समझ में आई। अब 900 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को कितने ग्राम के मूल्य के बराबर बेच रहा है, 1296 ग्राम के मूल्य के बराबर। 900 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को 1296 ग्राम मूल्य के बराबर बेच रहा है, तो बताओ कितने ग्राम ज्यादा में बेच रहा है, 900 ग्राम वाली को कितने ग्राम ज्यादा में बेच रहा है, 1296 में सीधा माइनस करना है कितना, 900 ग्राम। तो 900 ग्राम माइनस करो दोस्तों कितना आने वाला है, 396 ग्राम का प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है, 396 ग्राम का लाभ प्राप्त कर रहा है, कितने पे, 900 पे। तो सीधा निकाल दो बटे में कितना गया दोस्तों, 900, ठीक है, और 900 ग्राम पे, ग्राम से ग्राम अपना कैंसिल आउट हो गया। हमें चाहिए दोस्तों परसेंटेज में आंसर, कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है। तो बताओ 396 ग्राम का लाभ हो रहा था कितने पे, 900 ग्राम के। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो कितने से गुणा करना है, 100 से। देखो दो जीरो से दो जीरो अपनी कैंसिल आउट हुई। अब भाग देना है 396 में कितने का, 9 का। तो स्टार्ट में भाग दो दोस्तों कितनी बार जा रहा है, 9 चौक 36, ठीक है, 4, शेषफल कितना बचा दोस्तों, शेषफल कितना बचा 3 और 6, फिर 9 चौक 36, मतलब दोस्तों उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 44% का लाभ हो गया। उसे कितना परसेंट लाभ हो गया दोस्तों, 44% का लाभ हो गया। अब लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइज करना और देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना यह है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट दे देता है, और बेचते समय वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, और खुद जब खरीदते समय वह 1 किलोग्राम की जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों ध्यान दो, 1000 ग्राम की बात करें हम लोग, 1000 ग्राम पे जब वो दुकानदार सामान खरीदता है, वस्तुएं खरीदता है, तो 1000 ग्राम में तो 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम खरीद रहा है, 1000 ग्राम की जगह वो 1100 ग्राम वस्तु खरीद रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। कितना ग्राम वस्तु खरीद रहा है, 1100 ग्राम वस्तु खरीदता है, और फिर क्या करता है वो, क्रय अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक मूल्य अंकित करता है, 20%। तो 1100 ग्राम खरीदा और 1100 ग्राम पे 20% मूल्य बढ़ा दिया, तो बताओ 1100 ग्राम का 20% निकालेंगे तो कितना ग्राम बढ़ाया, 1100 का सीधा 20% निकालो तो दोस्तों कितना आने वाला है, 11 × 2 = 22, मतलब 220 ग्राम मूल्य बढ़ा दिया। तो 220 ग्राम बढ़ाया तो बताओ कितना अंकित किया, 1100 पे 220 बढ़ गया, तो कितना बढ़ के कितना हो गया, 1100 प्लस 220 तो कितना हुआ दोस्तों, 1320 ग्राम। तो अब उसका मूल्य कितने ग्राम के बराबर हो गया, 1320 ग्राम के बराबर हो गया।
अब आज क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपने ग्राहक कस्टमर जो है उनको 10% की छूट दे देता है, तो 1320 पे 10% की छूट दे रहा है, ठीक है, माइनस कमी छूट दे रहा है, तो 1320 का 10% निकालो दोस्तों कितना आएगा, 132 ग्राम। तो 132 ग्राम वो कम दे रहा है, छूट दे दिया इस पे, तो 1320 में से सीधा हमें माइनस करना है 132 ग्राम। तो बताओ दोस्तों कितने के बराबर बेच रहा है, 8, 11, 11 में से 3 गए तो दोस्तों कितना है 8, और इधर कितना बचा दोस्तों, इधर बचा अपना 2 और 1 मतलब 1188। तो कितने ग्राम के बराबर बेच रहा हो, 1188 ग्राम के बराबर बेच रहा है, कितने परसेंट की छूट देने के बाद, 10% की छूट देने के बाद। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे अपना, आगे कह रहा है और वह सामान बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, सामान बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है, 900 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है। दोस्तों ध्यान दो, 900 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को वह 1188 ग्राम मूल्य वाली वस्तु के बराबर बेच रहा है, 900 ग्राम मूल्य वाली वस्तु को 1188 ग्राम मूल्य वाली वस्तु के बराबर बेच रहा है, तो बताओ कितने ग्राम ज्यादा मूल्य में बेच रहा है, कितने ग्राम ज्यादा मूल्य में बेच रहा है, माइनस करो 1188 में से 900 ग्राम जाने दो, तो कितना है दोस्तों, कितने ग्राम मूल्य ज्यादा में बेचा, 288 ग्राम मूल्य का प्रॉफिट हो गया भाई, जितने ग्राम ज्यादा में बेच रहा है उतना लाभ ही होगा ना, तो 288 ग्राम का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 900 ग्राम पे, तो सीधा नीचे लगा दो कितना दोस्तों, 900 ग्राम, ठीक है। अब हमें लाभ परसेंटेज चाहिए तो इनटू क्या करना है, 100, ध्यान दो ग्राम से ग्राम अपना कैंसिल आउट, 20 से 20 अपने कैंसिल आउट, ठीक है, भाग देते हैं 9 का भाग दो इसमें, 9 3 27, शेषफल कितना बचा दोस्तों, 9 3 27 शेषफल कितना बचा, 1 और 18 मतलब 9 1 9 2 18, तो दोस्तों कितना परसेंट लाभ हो रहा है उसे, 32% का लाभ हो गया, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 32% का प्रॉफिट हो गया। दोस्तों आज हमने पढ़ा है डिसहोनेस्ट सेलर पर आधारित प्रश्न, और दोस्तों आज की क्लास में जो मैंने क्वेश्चनों का लेवल लिया है वो बहुत शानदार लेवल था, और अपना कॉन्सेप्ट भी आज की क्लास का बहुत शानदार है, हमने प्रत्येक क्वेश्चन ओनली ग्राम से ही हल किया है, किसी भी क्वेश्चन को हमने रुपये में कन्वर्ट नहीं किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई, अच्छी लगी, तो इसे लाइक एंड शेयर दोस्तों जरूर करना, और साथ में दोस्तों किसी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों से सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।